नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज एक ऐसा सवाल जो कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो नए, जो जानते नहीं हैं, उन लोगों के मन में ये रहता है ख्याल, इवन बहुत सारे गार्जियन जिनको पता नहीं है, जिनको पता है उनको तो बात अलग है, जिनको आप बेचारे वो उस लाइन में नहीं है तो उनको पता नहीं है। इस कारण से उनके मन में ये ख्याल रहता है कि काता इम्पॉर्टेंट है या कुमिते, उनको काता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो वो सीधा बोलते हैं फाइटिंग करना ज़्यादा जरूरी है। तो यही बात आज हम आपको बताने वाले हैं कि फाइटिंग इम्पॉर्टेंट ज़्यादा जरूरी है या काता इम्पॉर्टेंट है या दोनों जरूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने से आपको नॉलेज मिलेगा, हमारी वीडियो को रैंक मिलेगा। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक छोटा सा बेल होगा उसको भी दबा दें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएं। तो पहले सवाल आता है कि काता इंपॉर्टेंट है या कुमिते। दोस्तों, कुमिते फाइटिंग जो है वो आपको तो पता है कि कुमिते में फाइटिंग है, फाइटिंग हमको करना है, इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे, ऐसे ट्रेनिंग करेंगे, वैसे ट्रेनिंग करेंगे, हम फाइटिंग से हम कोई टूर्नामेंट जीत रहे हैं या हमको मेन जो है सेल्फ डिफेंस करने में सुविधा होगा, ऐसा है। काता क्यों करते हैं? काता आपका बैलेंस बहुत अच्छा करता है, स्पीड अच्छा करता है, रिदम अच्छा करता है, आपका जंप अच्छा करता है, बहुत सारे चीज़ों में। अब ये एक अलग पार्ट हो गया इतना सारा चीज़। दूसरा चीज़ जो आपको सीखने में लगता है कि मैं फाइटिंग सीखूंगा तो मुझे ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा मैं अच्छा से कर पाऊंगा फाइटिंग और लोगों को मार पाऊंगा या अपने आप को बचा पाऊंगा, तो सिर्फ फाइटिंग सीखते हैं। जी नहीं, आपको काता भी सीखना चाहिए। अगर आप कराटे में हैं और आपको कराटे का काता अगर बताया जा रहा है तो काता भी सीखना चाहिए। आप काता में पूरी बारीकी से आपको समझना चाहिए। आपको स्टांस है, स्टांस किस लिए कर रहे हैं भाई, पूरा पैर वैर अगर फोल्ड करके बढ़िया से बैठे, बैलेंस हुआ, करेक्ट डिस्टेंस अच्छा से मेंटेन हुआ, हमको स्टांस अच्छा से हुआ, हम अगर हाइट मेंटेन करते हैं वो अच्छा हुआ, सब कुछ क्लियर होने के बाद अगर आपका काता अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया, अब आता है कि उसका बुनकाई एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी है। जब आप बुनकाई जानते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बुनकाई अच्छे से प्रैक्टिस करने लगते हैं, तब आपको समझ में आएगा कुमिते जितना जरूरी है उतना जरूरी काता भी है। क्योंकि शुरू से ही उसमें, काता में भी शुरू से ही आपको अंत तक उसमें फाइटिंग ही फाइटिंग है। काता का मतलब ही शैडो फाइटिंग, सोच करके, फील करके कि हमको इधर से कोई मारने के लिए आया, उसको ब्लॉक करके पंच किया, इधर से मारने आया ब्लॉक करके, ऐसा कि ये सारा चीज आपको उसमें है। काता को बनाया ही उस तरह से गया है कि समझिए चार तरफ से आपको लोग घेर दिए, घेरने के बाद आप कैसे उसमें से निकलेंगे, चारों तरफ से उसको सोचा गया है कि चारों तरफ से कोई मारने आ रहा है, उसको उस अटैक को ब्लॉक भी करना है और उसको मारना भी, उसको अटैक भी करना, उसको नुकसान भी पहुंचाना है। इसी तरह से काता को बनाया गया है। अब काता को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उसका बुनकाई समझना है, उसको एप्लीकेशन बढ़िया समझकर उसको अप्लाई करना है अपने फ्रेंड के साथ में, जो आपका कराटे में जो आपका फ्रेंड है आपके साथ में प्रैक्टिस करता है, उसके साथ में रोजाना एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, उसको बार बार रिपीट करते करते जब आपका बैठ जाएगा तो अचानक कोई बायां से मारने आया, लेफ्ट से, राइट से, कहीं से भी अगर आपको मारने आता है तो आप इजीली उसमें से निकल पाते हैं और अच्छे से कर पाते हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट कुमिते का है एज सेल्फ डिफेंस के हिसाब से, उतना ही इम्पॉर्टेंट काता का है। काता अगर अच्छे से सीख लिए, पूरा बारीकी से समझ लिए कि कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, कहां से क्या। अब उसमें बहुत सारे का मन में रहता है कि काता में जो बताया गया है कि उठाकर फेंक देंगे तो क्या आप उठा के फेंक सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको बताया गया कि चार पुशअप्स लगाओ और आप दो लगा रहे हैं, बोला गया कि चार बार काता करो आप एक बार दो बार कर रहे हैं, बोला गया पावर में करना है आप स्लो में कर रहे हैं, तो आपको इसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा कि आप जब खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप किसी को उठाकर फेंकना है तो उठाकर फेंकने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना होगा ना। आपको कोई अचानक समझिए कोई हार्ड वर्क आपको करने के लिए बोला गया, आप रोज पेन पर लिखते हैं, लिख रहे हैं पेन से, लिख रहे हैं, अचानक आपको बोला कि सर पर कुछ लेकर इधर से उधर ले जाना है, यही आपका काम है, तो क्या एक दिन में आप क्या उठाकर आप ले जा पाएंगे? जी नहीं। रोजाना जो रेगुलर करते हैं ना,
उन लोगों की तरह आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको किसी को उठाकर फेंकने के लिए आपको रेगुलर उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे हम वेट कैरी करना पड़ेगा, वेट लेकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वेट लेकर काता करना पड़ेगा। काता करने का बहुत सारा ढंग है, स्लो में अलग हुआ, स्पीड में अलग हुआ, रिदम का अलग हुआ, वेट लेकर प्रैक्टिस अलग हुआ, बहुत सारा। उसमें तोड़ कर करेंगे, बुनकाई के साथ में करेंगे। काता अगर करते रहे, कराटे ऐसे नॉर्मली सीखने में कम टाइम लगता है, लेकिन अगर उसको पॉलिश करने में जिंदगी गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। काता इतना इंपॉर्टेंट है, कुमिते जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही काता इंपॉर्टेंट है। अब बहुत चीज जो कुमिते में आपको समझिए, उसका रूल्स रेगुलेशन है कुमिते में कि आपको यहाँ नहीं मारना है, वहाँ नहीं मारना है, ऐसे नहीं मारना है, वैसे नहीं मारना है। इन काता में जो पूरी बारीकी से जब आपको बताया गया है, तो आपको समझ में आएगा कि काता में जो आपको कहीं भी कुछ भी मार सकते हैं। गले में भी मारने के लिए बताया जा रहा है, ग्रोइन में मारने के लिए बताया जा रहा है, सब जगह मारने के लिए बताया गया है। कुमिते में कुछ दायरा सेट कर दिया गया है कि आप यहाँ लोअर में नहीं मार सकते, यहाँ पर में, कहीं पर, जहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन है उनके, वो चीज़ आपको बता दिया गया कि यहाँ नहीं मारेंगे, वहाँ नहीं मारेंगे। लेकिन जो काता है, काता में आप पूरा फ्री हैं कहीं भी कुछ भी, क्योंकि उसको बताया ना मैंने, पूरा उसको उसी तरह से क्रिएट किया गया है कि कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, कैसे बचेंगे, उस भीड़ से कैसे निकलेंगे मारकर। आप ये सोच लीजिएगा, अब मन में आता होगा कि इसका मतलब काता सीख लिए, मतलब हम 10 लोगों को मार सकते हैं। 10 लोगों को मारने के लिए या एक लोगों को मारने के लिए आपको ऐसा प्रैक्टिस करना होगा, बोलते हैं एकदम राक्षस की तरह, एकदम पूरा बढ़िया से रगड़ कर दून कर प्रैक्टिस करना होगा कि जो टीचर बता रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, उस तरह से पूरी बारीकी से तोड़ तोड़ के बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर निकलेगा और निखर कर आएगा। तो आशा करते हैं आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि काता बेस्ट है या कुमिते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाचा बाय।